हेलो साथियों, नौकरी स्वर्ण परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार बता दीजिए, सभी को वॉइस सही सुनाई दे रही है, सबको साफ दिखाई दे रहा है, एक बार फटाफट से बता दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की जो वीकली करंट अफेयर क्लास में हम क्या करेंगे, जो 11 से 16 अक्टूबर के बीच जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज उन क्वेश्चन का टेस्ट होगा आप सभी का, ठीक है। तो आपने जितना पढ़ा है, किस लेवल का पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, तो इसके माध्यम से आज आपको पता चल जाएगा जब आप आंसर करेंगे क्वेश्चन का कि आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो सभी साथी से गुजारिश है, एक बार तो हम हमारे साथ लास्ट तक डटे रहेंगे और एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो साथी हैं यहाँ जुड़कर जो एक वीकली टेस्ट है इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार लिंक वीडियो का, और अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा जितने भी साथी हैं, और फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट से। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाज़ार ऐप फिश वाले किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ना, ये कौन से राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सभी आंसर करेंगे तेजी से, आंसर करेंगे सभी, तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो असम सरकार ने क्या किया है, ये ऐप लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में घोषित पुरस्कारों में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अब्दुल रजाक गुरनाही को ये अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के, तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया है, ये तीसरे का आंसर करेंगे सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पी एल हरा नादी, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी जिनको वीकली पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, आप सभी यहां से कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आपको जस्ट गूगल में लिखना है www.naukrispen.com, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर क्वेश्चन की तरफ, तो फोर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने ये मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है, तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो फोर का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी, तो फोर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, ये लॉन्च किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइव क्वेश्चन हमारा, देखिए हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में पहली भारतीय महिला फाइनलिस्ट कौन बनी है, तो कौन बनी है, फाइव का आंसर करेंगे सभी, तो फाइव का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है क्या, अंशु मलिक, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का, सिक्स का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है ना, ये किस दिन मनाया जाता है, तो सिक्स का आंसर करेंगे सभी, तो किस दिन मनाया जाता है ये, तो सिक्स का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस दिन, तो 11 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेवन का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में Q4 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो सेवन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भारत कौन सी पोजीशन हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 90वां स्थान इसमें भारत ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठ का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जो वर्टिकल जो लिफ्ट रेलवे ब्रिज है बनाया जा रहा है, तो कहाँ पे बनाया जा रहा है ये ब्रिज, तो आठ का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, कहाँ पे बनाया जाएगा, तो आठ का राइट आंसर क्या है, तो ये तमिलनाडु के अंदर बनाया जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नौ का क्वेश्चन आप सभी के सामने
हाल ही में किस बैंक द्वारा 6S अभियान शुरू किया गया है? तो कौन से बैंक बैंक द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी आंसर करेंगे फटाफट से और एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 10 का क्वेश्चन है कि किस राज्य में हाल ही में जो बत्थू कंपा उत्सव शुरू किया गया है, तो कौन से राज्य के अंदर ये शुरू किया गया है? 10 का आंसर करेंगे सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से राज्य के अंदर ये शुरू किया गया उत्सव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के अंदर ये शुरू किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभियान को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये 11 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कौन से फिल्म निर्माता को इस अवार्ड से दिया जाएगा? तो 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी गोपाल को इस अवार्ड से नवाजा गया है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की जो कन्याकुमारी लोगों को GI टैग दिया गया है, तो कौन से राज्य की है ये लोगों को? तो 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए जो हाल ही में किसी ने अपने संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन किया है, तो किन के द्वारा इनका विमोचन किया गया है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किन के द्वारा किया गया है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार के द्वारा ये किया गया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15 क्वेश्चन है कि हाल ही में कहां पर दून ड्रोन मेले का शुभारंभ किया गया, तो कहां पे किया गया ये मेले का शुभारंभ? तो 15 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी और एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, सभी साथी से गुजारिश है एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए। 15 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून के अंदर ये शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किनको इस अवार्ड से नवाजा गया है? तो 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सतीश रेड्डी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 का, हाल ही में घोषित आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, तो किनको इस अवार्ड से नवाजा गया है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तीनों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 18 का क्वेश्चन है, आपदा जोखिम जो न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है ये आपदा जोखिम दिवस? तो 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी दो लंबी दूरियों की गाड़ियां मालगाड़ियां शुरू की है? तो 19 का आंसर करेंगे सभी, तो इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी और सी क्या है, दोनों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 20 का आप सभी के सामने, तो 20 का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किस राष्ट्र पुरस्कार विजेता विजेता का क्या हो गया, निधन हो गया है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेदू मूडी वेणु का क्या हो गया, निधन हो गया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 21 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है ये दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 का क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में जो फीफा ने 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया है? तो 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी।
अगर वीडियो पसंद आता है एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए सभी साथी, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो 22 का जो राइट आंसर है ईबा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। 23 का आंसर करेंगे सभी। तो 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने ये किया गया, प्रतिबंध लगाया गया किस राज्य सरकार द्वारा। 23 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हरियाणा सरकार द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 24 का आप सभी के सामने। हाल ही में किसे पीएम मोदी का सलाहकार बनाया गया है, तो किन को बनाया गया है। 24 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर अमित खरे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 25 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किसे जो 22वां लाल बहादुर शास्त्री जो राष्ट्र पुरस्कार दिया जाएगा, तो किन को दिया जाएगा ये अवार्ड। तो 25 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी तेज़ी से आंसर करेंगे फटाफट से, ताकि वीडियो छोटा रहे और सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जा सके। तो विश्व मानव दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है ये, 26 का आंसर करेंगे सभी। तो 26 का जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, किस दिन मनाया जाता है ये, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 27 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो 27 क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है, तो किन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर क्या है, तो जर्मनी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 28 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में पेरू ने लिमा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो 28 का करेक्ट आंसर करेंगे सभी। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 28 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भारत का प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, 29 का आंसर करें सभी। किसे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, तो किन को यह अवार्ड से नवाजा गया है। 29 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या, जो लॉरेंट बेलेस्टा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में जो जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत की कौन सी रैंकिंग मिली है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें भारत को मिली है 101वीं रैंकिंग। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही बताएं, तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना को लॉन्च किया गया है, तो ये शुरू करने की घोषणा की है। तो 31 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किस राज्य सरकार ने की, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये योजना को शुरू करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो 32 का आंसर करेंगे सभी। तो 32 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोवैक्सीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 33 का जो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मास्टर प्लान लॉन्च किया है, तो किस कौन सा मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का राइट आंसर क्या है, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। 34 का जो राइट आंसर है वो बताएंगे सभी कि विश्व रीड दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रीड दिवस कब मनाया जाता है ये। तो 34 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो दिवस मनाया जाता है ना, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी, 35 का क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने की क्या गया मंजूरी प्रदान कर दी है। तो कौन से शहर में मनाया जाएगा हरियाणा के ये, तो 35 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, तो ये गुरुग्राम में मनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सिक्के प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो किनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो 36 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट के माध्यम से अपना आंसर कीजिए।
ठीक है। और एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक भी कर दीजिए, फटाफट से सभी एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी यहाँ पर लाइव दिख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दीजिए, लाइव स्टूडेंट जितने भी हैं। 36 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य नडेला क्या हो जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं उनका क्या उनको दिया जाएगा इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। 37 का आंसर करेंगे सभी, तो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हाल ही में जो कंसल्टेंसी जो फर्म है अनरस्ट एंड यंग द्वारा 98 जो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंट्री है जो अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है सभी कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका जो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जो भारत का है तीसरा स्थान रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है, तो कौन बनी सबसे कम उम्र में, तो 38 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो एमी हंटर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 38 का जो ऑप्शन डी है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 39 का आप सभी के सामने। हाल ही में किसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो किनको बनाया गया है इसका अध्यक्ष, तो 39 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का करेक्ट आंसर फटाफट से आंसर कीजिए सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, सज्जन जिंदल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 का क्वेश्चन आप सभी के सामने कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है, तो कहाँ पर शुरू किया गया है ये, तो 40 का आंसर करेंगे सभी, तो 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कहाँ पर शुरू किया गया है ये, तो ये जयपुर के अंदर शुरू किया गया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ चलते हैं। 41 है, ओयो ने किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया, तो 41 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, सभी फटाफट से आंसर करेंगे सभी जितने भी साथी हैं, बहुत बढ़िया। तो 41 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दीपा मलिक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 का क्वेश्चन की तरफ। 42 का क्वेश्चन आप सभी के सामने, विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है ना किस दिन मनाया जाता है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 43 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं, तो कौन से बैंक द्वारा ये जो माइक्रो एटीएम है लॉन्च किए गए हैं, तो 43 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी, बहुत बढ़िया। तो 43 का जो करेक्ट आंसर क्या, कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो फायरबोल्ट ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो 44 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी फटाफट से आंसर करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथी से गुजारिश है कि 44 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, विराट कोहली क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने ये वीक के 44 क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किए हैं, तो किस इसमें से किन साथियों के कितने मार्क्स है, कितने राइट आंसर है, सभी एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे ऑनेस्टली कि सबके कितने आंसर राइट हुए हैं, ठीक है। एक बार फटाफट से बता दीजिए जितने भी साथी हैं, अपने राइट आंसर की जो डिजिट है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए जितने भी साथी हैं, 44 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हैं एक बार मेंशन कर दीजिए फटाफट से। और जितने भी साथी, जिन साथियों को PDF डाउनलोड करना है ना, वीकली PDF डाउनलोड करना है, तो वो यहाँ से वीकली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और जिनको मंथली PDF डाउनलोड करना है वो यहाँ से ही मंथली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सितंबर मंथ के जिन साथियों ने मंथली PDF डाउनलोड नहीं किया तो वो यहाँ से कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, आपको गूगल में जस्ट सर्च करना है नौकरी एस्पिरेंट, और जैसे ही आप विजिट करेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर टॉप पर मिलेगी, साथ में जो टैग जाएंगे मंथली टैग में तो वहाँ से आपको मंथ के मिलेगी, वीकली में जाएंगे तो वीकली PDF आपको मिल जाएगी।
अगर डेली करंट अफेयर का टेस्ट अटैम्प करना है, डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी आपको अवेलेबल है। तो सभी साथी एक बार विजिट करके देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है, हर मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। तो एक बार विजिट करके देखें, जितने भी न्यू यूजर है जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी साथी हैं, और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लेंगे। बेल आइकॉन प्रेस करने का मतलब ये होता है कि जो डेली घंटा फिर जो हमारी क्लास होती है ना, वो रोज़ 6 बजे स्टार्ट होती है। तो सभी साथी जो 6 बजे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यदि आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएंगे जितने भी साथी हैं, और डेली करंट अफेयर आप डेली लिया करें जितने भी साथी हैं, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी आंसर आप दिया करें। ठीक है, तो जाने से पहले जितने भी साथी एक बार वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि वो जो आपके दोस्त है जो करंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उसमें करंट अफेयर का अहम रोल अदायगी होता है करंट अफेयर का, तो उनको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा उनको एग्ज़ाम संबंधी। तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको किस प्रकार का मेटल चाहिए, हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो साथियों आज का हमारा सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।